हेलो गाइस, आप सभी श्रोता बंधुओं दर्शकों को बारंबार नमस्कार प्रणाम। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक बहुत रोमांचक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं और निरंतर सुझाव भी मिल रहे हैं, लोगों की फरमाइश भी आ रही है। फरमाइश क्या आई है, लोग कहते हैं कि आप जो बनाते हैं इधर उधर का बना रहे हैं, कुछ प्रेम के ऊपर भी बनाइए। मित्रों, अभी तक जो चल रहा था वो प्रेम ही चल रहा था, चाहे भीष्म का प्रेम हो या द्रौपदी का प्रेम हो, और चाहे मीरा का प्रेम हो, और एक प्रेम आप जो सुनना चाहते हैं क्या है वो, उस प्रेम में यही है, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। आप लोग यही सुनना चाह रहे हो ना, तो अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अब इसमें यह नहीं है कि किसकी बात हो रही है, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रभु परमपिता परमात्मा की बात कर रहे हैं। जैसे मीरा के प्रेम की बात करते हैं, मीरा ने क्या कहा था, हे हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी। वो फिर और कहती हैं आगे कि सूली ऊपर सेज हमारी, देखिए ये प्रेम है, सूली ऊपर सेज हमारी, और उसके बाद में कहती है गगन मंडल पर सेज पिया की किस विधि मिलना हो। तो मित्रों, प्रेम की परिभाषा अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह रच रहे हैं। प्रेम प्रेम होता है, प्रेम किसी से भी किया जाए, प्रेम मित्र से हो या प्रेम शत्रु से हो, प्रेम प्रेम होता है, और प्रेम में इतनी ताकत होती है कि शत्रु को भी मित्र बना सकता है। चलो इसी बात को चलते हुए आते हैं हम प्रेम पे, और प्रेम की प्रसंग को देखते हैं कि एक बार तुलसीदास जी महाराज, जो तुलसीदास जी आज तुलसीदास जी हैं, वो प्रेम के कारण ही तुलसीदास जी हुए। तुलसीदास जी महाराज होता क्या है कि कहते हैं यार, जब ये अपनी पत्नी, इनकी पत्नी क्या होती है, मायके में होती है, उस पत्नी को मिलने के लिए इनको रात में याद आती है, और रात में जब ये निकल लेते हैं तो रास्ते में कहीं कोई नदी होती है, उसी नदी को पार करके इनको जाना होता है, और नदी को पार करने के लिए इनके पास नाव भी नहीं है। अब वहाँ पर बता रहे हैं कि कोई सर्प तैर रहा होता है, उसी सर्प को पकड़ के उस पर ऊपर बैठ के किस तरह जो है नदी पार कर जाते हैं। ये एक दंत कथा है, कुछ लोग कहते हैं कि इनकी पत्नी कहीं ऊपर रहती थी, उस सर्प को पकड़ के रस्सी समझ करके पकड़ के उसको ऊपर चढ़ जाते हैं। जब उनकी पत्नी ये देखती है तो उनकी पत्नी कहती है कि अस्थि चर्म मम देहत, अस्थि चर्म मम देहस तामे ऐसी प्रीत, और जब होती रघुवीर में काहे को भवभीत। अगर आपकी ये इस तरीके से प्रेम अगर आप प्रभु से करने होते तो आपको किसी भी चीज़ की चिंता ही नहीं होती, आपको कभी किसी के बारे में सोचना ही नहीं पड़ता। यही तुलसीदास जी, आगे कहा गया है कि जब तुलसी ससुराल न जाते रत्नावली के फटकार न खाते, तब तुलसी तुलसी ही रहाते और तुलसी दास न कहाते। ठीक है, आज तुलसीदास जी हैं। हुआ क्या था दोस्तों, तुलसीदास जी का जन्म लोग बताते हैं कि ये 12 मास पूर्ण होने के बाद में हुआ। 12 मास पूर्ण होने पर क्या होता है, लड़का बड़ा हो जाता है, और इनके मुख में दांत निकल आए थे, और जब ये पैदा हुए तब इन्होंने क्या हुआ कि पैदा होते हुए भगवान राम का स्मरण किया, तो इनका नाम उस टाइम क्या हुआ था, राम बोला, लोग कहते थे राम बोला। ठीक है, अब बाकी हम कथाओं में न जाते हुए आते हैं, क्या होता है प्रेम प्रिय। ऐसे हमारे तुलसीदास जी महाराज ने कहा, पूछा कि भगवान राम के प्रिय कौन हैं, तो भगवान राम के प्रिय कई लोग हैं। भगवान राम ने प्रेम को कई जगह कैटेगराइज किया। अब कैसे, उन्होंने तो पहले बनाया प्रिय, फिर एक बनाया अति प्रिय, और एक उन्होंने किया अतिशय प्रिय। अब हम आते हैं देखते हैं कि प्रिय कौन है, अति प्रिय कौन है, और अतिशय प्रिय कौन है। मित्रों, हम लोग गांव वाले आदमी हैं, सा और शा का भेद नहीं रहता है। ठीक है, एक तो हम लोग अवधि वाले आदमी हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे भीष्म प्रतिज्ञा, तो उसमें जो हमारे कवि हैं, लेखक हैं, उन्होंने लिखा था भीखम बाबा। ठीक है, शाह को खा पढ़ते थे, खैर ये उनकी महानता है।
अब आते हैं, राम से पूछा उनके भक्तों ने कि प्रभु बताइए आपके प्रिय कौन हैं। तो राम जी क्या कहते हैं, ये तुलसीदास जी बाबा ने अपने ग्रंथ में लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है। रामचरितमानस में क्या लिखा है तुलसीदास जी बाबा ने कि सब मम प्रिय मम प्रिय उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तिन मह मोहि मनुजयति भाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान ने कहा कि सब मम प्रिय मम सब उपजाए, जितने भी लोग हैं जीव जंतु चर अचर अचराचर ये सब मेरे प्रिय हैं, ये मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं, लेकिन उसमें भी जो मनुष्य है ना वो उन लोगों से भी ज़्यादा प्रिय हैं। भगवान यहाँ पर देखिए, तभी जो है तुलसीदास बाबा ने लिखा हुआ है, आगे एक और लिखा है क्या कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जे ना पाही पर लोक संवारा। जब मनुष्य को इतना प्रभु जी ने महत्ता दे दी तो तुलसीदास जी बाबा कहते हैं कि ये मानव शरीर जो मिला है ये मोक्ष का धाम है, और आपको भगवान ने अगर ये दिया है तो आप ऐसा मत करो कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, आए खाए पकाए पचाए और उसके बाद में फिर सो गए। सो गए सोने के बाद में होता क्या है मित्रों, जब लोग सुबह ऑफिस जानी होती है और जब उठते हैं सुबह सुबह तो उनको ये लगता है कि अपने ज़िंदगी पर एक एहसान कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं सोचते हैं कि आज ज़िंदगी नहीं मिली है। चलिए, तो भगवान ने कहा कि ये तो मेरे प्रिय हुए। अब फिर भक्त पूछते हैं कि आपके प्रिय के बाद में अति प्रिय कौन है? तो भगवान राम कहते हैं अति प्रिय मोये यहाँ के वासी। कहते हैं कि अयोध्या में जो रहता है, क्योंकि भगवान वहीं पे पैदा हुए थे, वहीं पे रह रहे थे, तो वहाँ पर जो रह रहा है अयोध्या में जो है, तो अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, वो मुझे अति प्रिय हैं। जो अयोध्या में हैं वो लोग मुझे अति प्रिय हैं। देखो मनुष्य कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो वहाँ पर है कोई भी हो, वो सब क्या है, मुझे अति प्रिय है। भगवान ने कहा ठीक है, अब आप बताइए अतिशय प्रिय किए कौन है? भाई अतिशय प्रिय की परिभाषा क्या है आपकी नज़र में? तो क्या कहते हैं वो, जनक सुता जग जनक जानकी, जनक सुता जग जनक जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सबसे अतिशय प्रिय में कौन है? वो जानकी जी हैं। जनक सुता जग जनक जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, तो वो अतिशय प्रिय हैं। तो मित्रों हर जगह क्या होता है, प्रेम की परिभाषा अलग अलग होती है, सबके लिए अलग अलग होता है। अब ये हमें चूज़ करना है, हर जगह कैटेगराइज होता है, चाहे ऑफिस हो चाहे घर हो। हम देखते हैं कि कोई किसी बॉस का प्रिय होता है, कोई अति प्रिय होता है, कोई अतिशय प्रिय होता है, ठीक है। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने एक दोहावली, एक उन्होंने पुस्तिका लिखी है, दोहावली में उन्होंने लिखा हुआ है कि तुलसी इस संसार में, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, और सबसे हंसकर बोलिए नदी नाव संजोग। तो उन्होंने क्या कहा कि बहुत इस संसार में बहुत तरीके के लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं, तो आप जो है सबसे प्रेम मोहब्बत से व्यवहार करिए, क्योंकि नदी और नाव का संजोग देखिए, नदी और नाव किस तरह आपस में तारतम्यता बैठा करके एक किनारे से एक छोर से दूसरे छोर पे हो जाते हैं। अगर ये दोनों अपोजिट चलने लगे तब क्या होगा? तो इसीलिए आप ऐसा करिए कि जीवन है इसी में सबसे बना के रखिए, प्रेम सबसे रखिए, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा कि आप किससे कैसा प्रेम रखते हैं। मित्रों वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए हम इस वाणी को ही विराम देते हैं। लेकिन इसके पहले मैं बता दूँ कि इस धीरे धीरे इस प्रोग्राम में बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि अभी ये शुरुआती दौर है। और अभी मैं
इसमें केवल रफ्तार पकड़ रहा हूँ मित्रों, अभी हमारे पास ना तो पुस्तक है ठीक है और ना ही इतना समय मिल पाता है कि मैं पुस्तक पढ़ पाऊँ। हाँ ये ज़रूर है कि जो मेरा समय था यूट्यूब और ट्विटर और फेसबुक से, उस समय का जो हमें बचाना चाहते थे, जो हमारा पर्पज़ था, वो पूर्ण हो गया और हम समय अब वहाँ ना दे करके अब समय कोशिश होती है कि कुछ अध्ययन करें और आप लोगों के बीच में अपनी टूटी फूटी वाणी को रखें ताकि आप लोग इस अमृत रूपी कथा का श्रवण कर सकें और अपने जीवन को कृतार्थ कर पाएं। हमारा वीडियो प्रेम मोहब्बत भी होगा, तफरा तफरी भी होगा, इसमें सोहर गीत भी गाएंगे, उलारा भी होगा, नकटा भी होगा और जो जो आप चाहेंगे सब कुछ होगा। बस धीरे धीरे एक थोड़ा मैं भी स्पीड पकड़ लूँ, तब तक आप लोग भी धीरे धीरे स्पीड पकड़ते जाइए और लोगों को इसकी पॉपुलरिटी बताते जाइए कि पंडित आलोक जी शास्त्री जी महाराज हैं जो श्री श्री 1008 यूट्यूबर की उपाधि से सम्मानित हैं। वैसे सम्मान कहीं कोई नहीं दिया है, ये तो हम अपने आप ले लेते हैं ठीक है। अब हम कभी कभी कवि भी बन जाएंगे, कभी कभी इसमें शास्त्री बनेंगे, कभी कभी कुछ बन जाएंगे, जैसे मौका लगे हम सब बन जाएंगे इसमें ठीक है। ये हमें अपने आप बनना है क्योंकि हम जो है हैं कुछ नहीं और बनना अपने आप है। अभी अभी हम यूट्यूबर बने हैं और धीरे धीरे सब कुछ बनना है। तो आप लोगों का स्नेह और प्यार रहा तो आप लोगों के दिलों में विराज करेंगे और सब कुछ संभव है, असंभव कुछ नहीं है। क्योंकि जो असंभव होता है, इम्पॉसिबल होता है, लोग बताते हैं, वो भी कहता है आई एम पॉसिबल। तो जब एवरीथिंग इज़ पॉसिबल देन हाउ इज़ इट नॉट पॉसिबल टू बी अ डॉक्टर शास्त्री जी एक्स वाई जेड। तो क्या होगा इसमें, आई गेट अ डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। अब इसमें लेना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप कहेंगे भाई तुम्हें मैं डॉक्टर की उपाधि देती हूँ, कोई यूनिवर्सिटी कहेगी हम तुम्हें शास्त्री की उपाधि देती हूँ, यूट्यूबर वाले कहेंगे हम तुम्हें यूट्यूबर की उपाधि देती हूँ, यूट्यूब वाले कहेंगे, तो हमारी सारी उपाधि मिल जाएगी अगर आप लोगों का प्यार और स्नेह बना रहा। इसी के साथ में धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे कल और नई ताजगी के साथ में। वैसे ताजगी तो आज भी झलक रही है, आप लोग देख रहे होंगे, तो आप सभी से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम मित्रों, और सुनते रहिए और इसको अपने जीवन में भी थोड़ा अनुकरण करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।